अभी हम फाइनली अंदर नदी शॉप पे जा रहे हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि फैसल भाई साहब को मिलवाते हैं। तो आइए हमारे साथ। दोस्तों हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई क्या हाल है आपके? खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई आज हमें क्या दिखा रहे हैं आप हमें? आपको मैं एक तो पहले सेवैयों का प्रोसेस दिखाऊंगा। ठीक है। कि ये जो सेवैया साबुन है, ये जो हम यहाँ बेच रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनती है ये, इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनती है? वो आपके जो अंदर के कारखाना है, मैं वो मेरा जो छोटा सा एक सेटअप है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैनुअल साबुन किस तरह बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ आइए। ये इस तरह जो मैनुअल साबुन है, इस तरह जो मैनुअल साबुन है ना, ये वाले जी, जी ये किस तरीके से बनते हैं भाई। ठीक है, ये भी मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है सर, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास अल्लाह की बड़ी रहमत है और हम यहाँ काफ़ी सालों से हैं, तो हमारा ये है कि हम ऑनलाइन कोई काम नहीं करते, ना हम अपना नंबर देते हैं। ठीक है। ये हमारा शेरशाह में बहुत ही मशहूर है और बहुत ही पुराना है, तकरीबन 1958 से है ये यहाँ पर सेटअप। तो हम ना नंबर देंगे और ना ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। अगर कोई आना चाहे तो हम उनके लिए हर वक्त खिदमत में हाजिर हैं। पहले रिस्पॉन्स कैसे मिला था आपको? जी वो बहुत अच्छा मिला था, तो मगर ये है कि मैं नंबर नहीं दे सकता और ऑनलाइन मैं कुछ नहीं कर सकता। अलावा संडे के, अलावा संडे के सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मैं हाजिर खिदमत हूँ, जो आएगा उसके मैं खादिम हूँ, बिल्कुल खिदमत करूँगा। मगर सर मेरी ये माजरात आप कबूल फरमाएं कि मैं इसमें जो है ना वो फोन नंबर मैं नहीं दे सकता, ना ऑनलाइन काम कर सकता। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप पहले आए, आज भी आए, अब यहाँ पर पब्लिक मेरे पास होती है, अब मैं अपने घर का फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लोगों के क्या फोन उठाऊंगा, या मैं क्या वो किसी को गाइड करूंगा। ठीक है। जिसको आना है मेरे पास आए, वेलकम, मैं हाजिर है खिदमत। अच्छा, इसके अलावा फैसल भाई क्या दिखा रहे हैं आप? इसके अलावा माशाल्लाह हमारा वही सेटिंग जो पिछली वीडियो में आपने देखी थी। भाजी बेटा, अब ये आपने देखा, ये सब मामला हमारे सेवैया बनने के। ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस भी देख लेते हैं आपका। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास कंपनियों के, जो मैंने आपको पहले अर्ज़ की थी कि लॉट आती है कंपनियों की, ये सर्फ वगैरह के हवाले से। ठीक है, ये हर कंपनियों के सर्फ। अच्छा, रेट ये मेंशन है, ये सेम ये रेट है, ये पिछली वीडियो के बाद रेट जो है वो तो तकरीबन वीडियो से 2 महीने पहले बढ़ चुके थे, मगर हमने 2-3 माह और भी इसमें कंसेशन दी थी, अब थोड़े से 20-20 रुपए बढ़ गए। अच्छा अच्छा, मशीन मतलब बढ़ गए अभी? हाँ, क्योंकि इसके केमिकल, इसके मटेरियल, ये तमाम चीज़ें महंगी हुई थी, तो ये बढ़े थे रमज़ान के बाद फौरन, अब बकरीद आ रही है इसको बढ़े में। ये रेट है। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा ये भी है, 200 रुपये किलो, देखिएगा ज़रा, ये पूरा केजी है, ये पूरा केजी, और ये 200 रुपये इसके रेट मेंशन है। अच्छा, इसके मेंशन, ठीक है। ठीक है सर, ये 240 रुपये का रेट है। ठीक है सर। ठीक है। ये 280 का रेट है। ठीक है। ये 300 का रेट है। ठीक है। मगर ये जो क्वालिटियाँ हैं ना, ये लोकल सर्फ नहीं है, जो 100-120 या 150 रुपये बिकते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, बेटर क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है। ठीक है। और ये जो है अपना, फैसल भाई ये बैग उठाइए, ये 5 किलो का बैग है, ये जब आप पहले आए थे तो ये 700 का आपको बताया गया था, अब ये 800 का है, मगर 5 किलो। ठीक है, मगर इस बात को 4 माह हो गए। सही है। और अब कितने गए? अब 800 गए, 800 यानी 20 रुपये किलो इजाफा हुआ था। ठीक ठीक है ना? ठीक ठीक है। तो ये है। अच्छा सर, ये इधर आ जाइए, ये डिश वॉश बार है, ये भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, ये बनवाते हैं हम। अच्छा, फैसलाबाद से, बाबू भाई से। ठीक है। और ये वो हमें बनाकर देते हैं, हैवी क्वालिटी का। सही है। एक ब्रांडेड क्वालिटी का ये बनाते हैं वो, सही है। बाबू भाई। ठीक है, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो है, ये डिश वॉश शाइनर वगैरह है, ये डिश वॉश के यूज में भी आते हैं, और इससे लोग कपड़े वपड़े भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा जी हाँ। और ये हैंड वॉश है इस तरह के, मेरे पास हर किस्म के हैंड वॉश है, और ये हैंड वॉश है इस तरह के, हर किस्म के। ठीक है।
बेटा वो येलो वाला उठा उधर हैंड वॉश। फैसल पे इनकी प्राइस भी सर मेंशन कर दीजिए। ये एक किलो वजन पूरा है, लीटर कम होता है, किलो ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक किलो है 250 रुपए का। अच्छा, यहाँ से जो भी लेंगे ब्लू, ये ब्लू और ये सब जो कलर है ना, ये है 200 रुपए का एक किलो, ठीक है ठीक है। और वो देख के ये 250 रुपए का एक किलो है, तो मेरी नहीं मानी, ठीक है सर। और ये माशाल्लाह, बाकी आप यहाँ से देख लें, हर चीज़ है। ये भी हैंड वॉश है, लूज हैंड वॉश कहलाते हैं, ठीक है। 250 रुपए सही, ये किलो, भी किलो के 250 रुपए किलो, ठीक है ठीक है सर। अच्छा फैसल भाई, इनके रेट से लूज सौ पे एक के जी के हिसाब से, ठीक है सर। इसमें हर कंपनियों के मिक्स जो स्क्रैप होते हैं वो ये जो है 400 रुपीज के जी से स्टार्ट है हमारे यहाँ, ठीक है। ये 500 है, ठीक है सर। इसके बाद जो है लूज सोप में वो 600, ये 600 रुपए किलो। यार इसको 50 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, ठीक है। इस तरह के लूज सोप है, सही है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी प्रोसेस, ये टिकिया बनने का भी, ठीक है सर। ये है, अच्छा ये विम पाउच भी बेच रहे हैं हम, इस पर रिटेल मेंशन है सर 325 रुपये, ये रिटेल है, इस पर 325 रुपये। ये हम दे देते हैं 225 रुपये का, 100 रुपये डिस्काउंट, ठीक है ठीक है। इसका वजन है 800 ग्राम विम है जी, ओरिजिनल विम पाउच है ये, सही है ठीक है। ये अच्छा, ये ओरिजिनल कंफर्ट के पाउच है, ठीक है। ये इस पर मेंशन होगा रेट तकरीबन 250 रुपये, इसमें 250 रुपए मेंशन है रेट। ये हम दे देते हैं सर 150 रुपए, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, ये इसी तरह हैंड वॉश सोप है फ्रूट में, ये क्या है, क्या रेट है वाला, क्वालिटी करूंगा जी। इनके रेट क्या है? ये 240 रुपए पर डजन है, डजन 240, ठीक है। और ये जो है ये इम्पोर्टेड क्वालिटी के साबुन है, ये 900 रुपए डजन है, ठीक है। ये 600 रुपए डजन है, ठीक है। ये 540 रुपए डजन है, तो सोप क्वालिटी अच्छा है मतलब। जी जैसे उनके रेट हैं वैसे उनकी क्वालिटियाँ हैं, अच्छा जी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह ये देख लें आप ऊपर, ये सब कंपनियों के ब्रांड हैं, हम इनके जो हैं समझ लें, यहाँ इस इलाके के डीलर होते हैं तो वो हमें रेट कम देते हैं, हम आगे रेट कम दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा एक प्रोसेस है जो है ना, केजी के हिसाब से हार्मनी सोप है ये, ठीक है ठीक है। ये बिल्कुल छोटे साइज के हैं, जो कितने ग्राम के होंगे ये, तकरीबन होंगे सर 25 ग्राम होने चाहिए जी, आप 25 ग्राम होने चाहिए, ठीक है। ये हैंड वॉश में लोग यूज करते हैं, और इसका रेट हम देते हैं 350 रुपए पर केजी। अच्छा ठीक है, ये पड़ा हुआ है परफ्यूम चूरा है ये, इसमें परफ्यूम की खुशबू है, ये ब्यूटी सोप कंपनियों का चूरा होता है, ये 300 रुपए केजी हम देते हैं। तो ये भी मशीन, ये वॉशिंग मशीन में लोग जो है, ठीक है, ये 300 रुपए केजी देते हैं। ये हैंड वॉश में लोग यूज़ करते हैं, ये 350 रुपए केजी में तकरीबन 12 रुपए की एक पीस आ जाता है ये। अच्छा, पर पीस 12 रुपए का, ठीक है सही, तकरीबन 12 रुपए का पर पीस आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है भाई? शुक्र आपने भाई, अलग शुक्र, ठीक ठाक हूँ। क्या लेने आए हैं आप? मैं साबुन लेने आता हूँ हर महीने, गोल्डन। ये जो सामने ये गोल्डन लगा हुआ है, कपड़े धो लेगा। कैसा साबुन की क्वालिटी क्या है? अच्छा माशाल्लाह से बेहतर, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा क्या लेते हैं? इसके अलावा ये नहाने का साबुन है, ये सब जो पड़ा है, बाकी सर्फ वगैरह हो गए। सर्फ वगैरह यूज़ किया, कैसा है? यूज़ किया हुआ अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। और क्या यूज़ किया है? और ज़्यादातर लिए ये ले लिया वो ले लिया। ये साबुन कैसा है? ये भी माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा है। इसके मतलब अच्छा झाग अच्छा बनता है जी। अच्छा, और कौन सा आपने यूज़ किया? मैंने 2-3 चूज ये यूज़ किया है, ठीक है। ये यूज़ नहीं किया, ये क्यों बोलूँ, ये मैंने यूज़ नहीं किया, जो चीज़ मैंने यूज़ किया वो मैं बता रहा। अच्छा ठीक है, बेहतरीन, अब सब सामान अच्छा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ वो मौजूद है, वो हमें मजीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अच्छा खान साहब, पहले तो ये बताएं कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं आप? क्या हो गए, 8-10 साल हो गया। 8-10 साल से। क्या इनके कौन से बेहतर, इनके प्रोडक्ट कौन सी ज़्यादा अच्छी है?
वहीं से ये सरफ लेके जाते और कपड़े धोने वाले साबुन नहाने वाला कोई भी ये जो साबुन इनके पास है या क्वालिटी अच्छी है वो तकरीबन अच्छी है, बाकी दुकानों से जो हम ले रहे हैं उससे अच्छी है। तो अच्छा, रेट में भी मुनासिब है, जैसे बाहर में महंगे चले यहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है? काफ़ी फर्क है रेट में है। ये यूज़ किया साबुन? हाँ ये भी यूज़ किया, सही है। कैसा है? अच्छा अच्छा साबुन है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं कि वो यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जनाब? बस शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। कहाँ से आए? मैं कोरंगी से आया। कोरंगी से जी। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं तकरीबन 7-8 साल से आ रहा हूँ। 7-8 साल। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से बेहतर लगी यहाँ पे? अगर बाहर की दुकानों से लगाएं तो यहाँ पे क्या? बाहर की दुकानों से बहुत कुछ बेहतर है, ठीक है, सवैयाँ बेहतर है, सरफ बेहतर है, साबुन आने वाला बेहतर जी। अच्छा, झाग वाग सही बनाते हैं? सही वॉश कर रहे हैं। उसके अलावा क्या यूज़ कर रहे हैं? इसके अलावा कपड़े धोने वाला साबुन है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा नहाने वाले साबुन है, वो अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी सारे आइटम माशाल्लाह अच्छे हैं, मुनासिब रेट भी मुनासिब है। मुनासिब है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फैसल भाई, अब हमें मज़ीद क्या दिखा रहे हैं आप? अब मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ, सवैयों का प्रोसेस अंदर जी, दिखा रहे हैं। और मैनुअल साबुन दिखाता हूँ, ठीक है, वो आप देख लें। तो आइए चलते हैं, आइए जी जी, आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम छोटे से कारखाना इनके साबुन का वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरह ये साबुन बनाते हैं, सभी ये किस किस्म के बना रहे हैं ये साबुन से रिलेटेड, तो वो सब हम दिखाएंगे। फैसल भाई, किसमें लगा क्या बता रहे हैं जी? हमारी ये दो छोटी मशीन है सर, तो हम ये जो है इसमें पहले इसको मोटी बनाते हैं, फिर मोटी बनाने के बाद जनाबे वाला ये अभी मशीन चल रही है, ठीक है, फिर मोटी बनाते हैं। अच्छा चलें दिखाएं हमें कैसे। हाँ, इसको मोटी बनाते हैं सर। अच्छा ये फैसल भाई, ये साबुन, ये जो सवैया है ये कैसे यूज करते हैं? ये कपड़े में मशीनों में ना डाली जाती है, वॉशिंग मशीन के अंदर डायरेक्टली? हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठंडा गर्म पानी दोनों कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब ये जो है ये मोटी निकलना शुरू हो गई है मशीन से, ये निकल रही है मोटी सेवैया, ठीक है सर। अब इसके बाद जो है ना ये मोटी चल देंगी, ये मोटी सेवैया आना शुरू हो गई है, ठीक है। ये 1-2 मिनट लेती है मशीन में, जो ये गैप होता है इसको पूरा करके फिर ये आना शुरू हो जाती है। बड़े साबुन से डायरेक्टली ये बेहतर है, सेवैया बेहतर है ना जी? ये उसमें बस उसमें जो है कम खर्च वाला मशीन हो जाता है, सही है। और डायरेक्ट उसमें लेडीज को बहुत इत्मीनान रहता है, बस डाल दी मशीन में, सही है। और पानी में डाली, घुल गई, घुलने के बाद कपड़े धो लिए गए, इस तरह होता है। ये देखिए ये बन रही है मोटी सेवैया, ठीक है सर। सही, सही, सही। अच्छा, अब मोटी के बाद जनाब हम आपको दिखाएंगे इसकी बारीक का प्रोसेस, बारीक का प्रोसेस दिखाएंगे आपको, बारीक का प्रोसेस दिखाएंगे। हमारे पास ये दो मशीनें हैं, एक में मोटी बनती है। अच्छा, मोटी ये साबुन की किस ये साबुन इसी का? हाँ, ये इसी के ये पीस होते हैं, ठीक है। ये मशीन में जाते हैं, पहले मोटे बनाते हैं, सही है। मोटे के बाद इसको हम 3 दफा पहले मोटा बनाएंगे, सही है। फिर 4th दफा बारीक बनेगी, वो आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं। ये हमारे अयाज भाई हैं, ठीक है। ये हमारे अयाज भाई हैं, ये इंशाल्लाह आपको बारीक बनाकर दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। चलें जी, इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखें। ये अब मोटी सेवैया जा रही है मशीन में, ठीक है, ठीक है। और ये आतिफ ने चला दी मशीन, और ये अयाज भाई यहाँ देखिए आप, बस यही थोड़ा सही देखो, ये देखिएगा, ये बारीक सेवैया निकलना शुरू हो गई। उस मोटी के बाद ये बारीक चलना शुरू हो गई सर। इसके बाद कौन सी प्रोसेस भी है कोई? इसके बाद एक प्रोसेस ये होता है कि ये जब निकल जाएगी तो मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है। सही है, सही। कटी छट ना, ये जनाबे वाला ये बारीक निकलना शुरू हो गई, कट। चलिए फैसल भाई, अच्छा क्या इसके बाद जो है ये तीसरा प्रोसेस, आप ये पीछे देखें, ठीक है। ये तीसरा प्रोसेस ये है, इसको जो है हम बांसों पे सुखाया जाता है। अच्छा, ये लच्छा लच्छा अलग हो गया, यहाँ आइए आप, ये लच्छा लच्छा अलग हो गया, ये देखें आप, ये लच्छा लच्छा अलग हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ सुखाते हैं बांसों पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अब काबिल इस्तेमाल हो गई। अच्छा, डायरेक्टली अब या के मशीन में डाल सकते हैं आप? ये डायरेक्ट मशीनों में, डायरेक्ट मशीन में डलेगी ये। तो कितने घंटे का प्रोसेस होता है इसको ड्राई करने में, खुश करने में कितना टाइम? इसके आधा घंटा लगता है। फैंस वगैरह बड़े रखे हुए हैं ना? अच्छा, बड़े बड़े फैंस हैं, बड़ी बड़ी मोटरें,
उसको जो है ना ये सुखा देती है आधे घंटे में पूरा अगर हम भरे ना। अब ये देखें ये जो है ना गीला जम जाएगा। हाँ अब ये देखें जम रहा है, ये गीला भी डाला है ना इसने। हाँ, सही, ये जम जाएगा। अच्छा ये जब सूख जाएगा तो ये लच्छा लच्छा अलग हो जाएगा। ये जमने के बाद जैसे हाथ से पकड़ के इसको किया आपने, इसके बाद खुद ही खुल जाएगा ये। हाँ ये सूखने के बाद देखें ये जितना भी दबाऊंगा ना लच्छा लच्छा अलग रहेगा। अच्छा अगर इसको गीला रख देंगे तो ये जम के वो गट्ठा बन जाएगा। चले चले अब यहाँ आइए आप, जरा किया बनती है हमारे यहाँ, ये टिकिया बनती होती हैं, ये टिकिया बनती हैं, रेड ऑरेंज लेमन येलो वाइट इस तरह इन्हीं मशीनों में, ये टिकिया की सूरत में भी प्रोसेस हो जाता है इन्हीं मशीनों में। ये एक हमारा एनुअल साबुन कहलाते हैं देसी तरीके के। अच्छा ये जो है ना उसमें कढ़ाई सिस्टम में बनते हैं और इसमें जो है भरे जाते हैं और ये लादी की शक्ल में इस तरह निकाल लिया जाता है। चेक करें कैसे निकालते हैं। ठीक है इसका ब्लॉक हो गया ये। ठीक है ठीक है। अब इस ब्लॉक को जो है हम जो है ब्लॉक को इसको पहले प्लेट्स की सूरत में काटेंगे फिर इसके बार बनाएंगे। दिखाएं कैसे कटते हैं। अब आप ये देखिएगा ये रियाज भाई अभी इसको प्लेट्स की सूरत में काटेंगे। ये सफाई हो गई लादी की, इसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक की सफाई हो गई। ठीक है ठीक है सर। ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक हमारे ये काम का साबुन, ये कट पीसेस ये बर्जाय हो जाते हैं क्या? नहीं ये दोबारा रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। ये जो है बटरे कटी ये दो तीन काट के आपको दिखाएंगे। ठीक है ठीक ठीक है सर। ये भी एक साबुन का जो है हिस्सा है। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस। ये इसके प्लेट्स बन गई। ठीक है इसके बार बना लें आप, इसकी टिकिया बना लें। ठीक है ये हमने इसके प्लेट्स बनाने के बाद अब ये आपको रियाज भाई बार बना के दिखाएंगे। और ये जो सब कुछ पड़ा ये रिसाइकल होगा दोबारा। अच्छा ये भी रिसाइकल में जाएगा। ये रिसाइकल में जाएगा क्योंकि ये इसमें से इसका स्क्रैप है ये। चलो ठीक है। अब आप ये देखिएगा ये बार बनेंगे। गाड़ी उठा के दिखाओ, स्क्रैप दिखाओ। ये स्क्रैप है, रिसाइकल है क्योंकि इसमें नमक लगा हुआ है। ये नमक लगा हुआ है ना ये देखिए। अच्छा, अच्छा। ये नमक जो है ये इस कपड़ों को ख़राब करता है इसलिए इसको रिसाइकल में डाला जाता है। अब ये देखें ये बार बना रहे हैं, ये बार बना रहे हैं और ये बार बनते हुए इस तरह ये बार ये मैनुअल साबुन कहलाता है। ठीक है ये बार बनते जाएंगे इनके और बार बनने के बाद जनाबे वाला इसकी हम टिकिया बना के आपको दिखाएंगे। ये मैनुअल तरीका है। सही रियाज इसकी टिकिया बना। ये भी एक साबुन का हिस्सा है। ठीक है तो इसकी भी रनिंग अच्छी है माशाल्लाह। जी ये बहुत ज्यादा माशाल्लाह रनिंग है मगर हम अपने वही काउंटर पे चलाते हैं। देखिए ये टिकिया बनना शुरू हो गई। ठीक है ठीक हाँ ये टिकिया बन गई। ये देखें ये बेटा टिकिया दिखाएं, अलग अलग करें। ठीक है ये टिकिया बनना शुरू हो गई। ये सारा प्रोसेस ऐसे बड़ी कंपनी भी यही प्रोसेस ऐसे नहीं, वो तो तमाम प्लांट्स और तमाम उनका ऑटोमेटिक होता है। अच्छा। हमारा तो ये हाथों का काम है, मैनुअल काम है हमारा। जाहिर है जो छोटा सा काम है तो उसको हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो जो दिखाया ये हमने आपको जो वहाँ दिखाया था मशीनों का प्रोसेस, उसी मशीनों में इस तरह की टिकिया जो है ये बनाई जाती है और इसी तरह ही हमारे यहाँ सेल हो रही होती है। अच्छा ठीक है। और इसी में जो है इस शेप के साबुन भी बना दिए जाते हैं। ये भी साबुन ये भी साबुन है। अच्छा मशीन वही है, सब कुछ वही है, बस बड़ी मशीन में लॉन्ड्री वगैरह में यूज किया जाता है। ये लॉन्ड्री में लोग इस्तेमाल करते हैं हाथ से भी। और ये अच्छा ये देखें ये जो हम मोटी सेवैयाँ आपको दिखा रहे थे ये उसके ये भी हमारे यहाँ। हाँ ये भी पीसेज है उसकी रनिंग है हमारे यहाँ ये भी ना। ठीक है तो इस तरह का ये है मामला। टाइम देने का बहुत शुक्रिया आपका, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा दोस्तों हम इसका पिन लोकेशन डाल देंगे, गूगल पिन लोकेशन डाल देंगे ताकि आपको आसानी रहे यहाँ पे आने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।